हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेप डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इसे मैं आज आपको 24 फंदे से बनाना बताऊँगी। 24 फंदे में अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो बहुत ही बड़े साइज का ही आपका बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि बाद में इसमें फंदे बढ़ भी रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डिज़ाइन में। ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आसान स्टेप्स के साथ ही मैं आज आपको इसे बताऊँगी। तो इस डिज़ाइन को सीखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिएगा, और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे बना है। सबसे पहले हम ये रेड कलर के ऊन से इसमें हम 24 फंदा ले लेते हैं। आप अगर बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो जोड़े फंदे में आप ले लें ज़्यादा। जैसे मैंने 24 लिया है तो आप इसमें 28 ले लें। तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेप डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेप डोरमेट की डिज़ाइन, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 24 फंदे ले लिए हैं इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। अब देखिए, मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर एक लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसे बिन लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा उल्टा उल्टा बिनते हुए एकदम अंत तक के सारे फंदे यहाँ पे बिन लेना है। दो, हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेप डोरमेट की डिजाइन बनाना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बिन लिए। तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेप डोरमेट की डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये फ्लावर शेप में बनने वाला है, तो जो मिडल वाला साइड रहेगा उस तरफ से हम लोग दो फंदा, और जिधर ऊपर मतलब बॉर्डर की तरफ रहेगा उधर से एक एक फंदा हम लोग को छोड़ना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फंदा बिना बुने उठा लिए, बाकी को इस तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए इस साइड में चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए इस साइड में अंत में आ गए हैं। ये साइड हम लोग मिडल वाला बनाना है, सर्कल जिधर आएगा वहाँ पे बनाना है। तो इधर से हम दो फंदा छोड़ देते हैं, इनसे धागा को पलट देते हैं। इधर से एक फंदा बिना बुने उठाए, इधर से दो फंदा छोड़ दिए। अब इस साइड में बीच में जितने भी फंदे हैं उन्हें बिन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए। यहाँ पे हम लोग एक फंदा बिना बुने उठाए थे तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ नहीं बिनेंगे, धागा को उस साइड कर देंगे। फिर से इस साइड में फिर से एक फंदा यहाँ पे बिना बुने उठाएंगे, बाकी को उल्टा उल्टा बिनना है। हर बार ऐसे ही करना है, एक एक फंदा इधर से बिना बुने उठा लेना है और एक साइड से इधर से दो फंदा करके छोड़ना है। तो देखिए, धागा समझ लीजिए निशानी है, इधर से दो फंदा करके छोड़ना है और इस साइड से एक एक फंदा बिना बुने उठाना है। इसी तरह से बिनते जाना है हर लाइन में। इसमें हम लोग 24 फंदा लिए थे तो इस तरह से 8 लाइन हम लोग का बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए हैं। ये देखिए, अंत में भी 3 फंदा ही यहाँ पे इकट्ठे में रह गए हैं। इधर में देखिए, ये 7 फंदा छूट गया है, 3 और 4 7 हो गया। इधर में इसका डबल होगा, यानी 14 फंदे छूट गए होंगे। और अभी यहाँ से यहाँ तक अगर पहले लाइन से गिने तो यहाँ पे 8 लाइन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसी को सिर्फ ऐसे ही उठा लेंगे और यहाँ से धागा को पलट देंगे। अब देखिए, इस साइड से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो एक फंदा छोड़े हुए हैं अब उसे बिनेंगे। इस साइड से एक फंदा बिने, यहीं से धागा को पलट देंगे। अब यहाँ से इसे बिन लेंगे और इधर से दो फंदा जो छूटा हुआ है उसे बिन लेंगे। फिर से ये हमारे कांटे पे 3 फंदे हो गए, यहीं से धागा को पलट देंगे। अब इस साइड से
देखिए इधर से जिधर से एक 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 फंदा छूटा हुआ उधर से एक एक फंदा साथ में लेंगे, और जिधर से दो दो फंदा छूटा हुआ उधर दो दो फंदा साथ में लेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पे जो ये चार फंदे हुए हैं, दो नहीं सॉरी तीन फंदे हुए हैं, इन तीन फंदों को बिन लेंगे और इधर से एक फंदा हम लोग को साथ में लेकर के बिनना है। यहाँ काफ़ी गैप है तो इस तरह से बीच में से फंदा उठा करके इन दोनों को साथ में लेकर के बिन देना है। इस तरह से यहीं से धागा को पलट देंगे, इस साइड से बिनेंगे, जो इकट्ठे में है उन्हें बिन लेंगे और इधर से दो फंदा साथ में लेकर के बिनना है। बीच में गैप है काफ़ी ज़्यादा तो यहाँ से इस तरह से फंदे उठा करके साथ में दो को साथ में लेकर के बिन देना है। इसके बाद इधर से एक फंदा और बिनना है, इस तरह से यहीं से धागा को पलट देना है। अगर आपको गैप ज़्यादा लग रहा हो तो ये पहला फंदा जो इसे इस तरह से बिना बुने उठा भी सकते हैं, उसके बाद वाले फंदे से इस तरह से बिन सकते हैं। देखिए इस साइड में हम लोग एक एक फंदा छोड़े हैं तो एक एक फंदा ही बिनना है, गैप कम करने के लिए बीच में से कोई फंदा उठा करके बिन देना है, इन दोनों को साथ में बिन देना है। यहीं से धागा को पलट देंगे। एक साइड से एक एक फंदा, एक साइड से दो दो फंदा हम लोग को बिनते जाना, जैसे जैसे छोड़े थे वैसे वैसे ही इसे बिन देना है। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए हैं, ये अभी सीधी साइड में है, इधर में ये दो फंदा है, इधर में ये एक फंदा है, तो पहले इसे बिनेंगे फिर वापस आके इसको बिनना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये जो एक फंदा है उसे हम लोग इस तरह से यहाँ बिन लेते हैं, इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ से हम ये वाला जो है अभी इसे नहीं बिनेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम स्किप करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर इसमें लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग को दूसरा कलर लगाना है। यहाँ पे इस तरह से दो फंदों में कलर लगा लेते हैं, यहीं से धागा को पलट देंगे, बाद में इसे बांध देंगे या फिर साथ में लेकर के आप बिन भी सकते हैं ताकि खुले ना। तो ये देखिए इस साइड से भी इन दोनों को बिन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पहला फंदा है उसे उठा लेते हैं, दूसरा वाला बिनते हैं और इसके बाद का एक फंदा साथ में लेकर के बिन देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कोई फंदा बढ़ा उढ़ा नहीं रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो फिर से पहला फंदा उठा लेंगे, इसके बाद ये वाला फंदा बिन लेंगे, यहीं से धागा को पलट देंगे। देखिए इस तरह से हम लोग को छह फंदा कर देना है। तो देखिए अभी चार हुआ है, ये इधर से एक फंदा साथ में ले लेंगे तो ये पांच हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे कांटे पे ग्रीन कलर में छह फंदा हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग एक फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से ये पहला फंदा हम इस तरह से कांटे पे लपेटते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे, बाकी इधर से कंटिन्यूसली सेम टू सेम करेंगे जैसे पहले बिन रहे थे। ये देखिए इस तरह से बिनते हुए जाएंगे, इधर से एक फंदा ये ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे, यहीं से धागा पलट देंगे, इस साइड से वापस बिनते हुए यहाँ तक के सारे फंदे बिन लेंगे। हम लोग इसमें रेड कलर में 24 फंदा लिए थे तो 12 फंदे में इसी तरह से हम लोग ग्रीन कलर बिनते जाना है।
ये देखिए आगे बुनते हुए फिर से सेम तरीके से यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। पहले जो 6 फंदे इधर से बिने उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया, अब इधर से और बाकी जो 6 फंदे बिनेंगे उसमें हम लोग यहाँ पे एक एक फंदा इस तरह से सामने में बढ़ाते हुए बिनेंगे। फिर से यहाँ पे एक फंदा इधर से कन्वर्ट कर लेंगे, यहीं से धागा पलट देंगे इस तरह से। जैसे ये 2 फंदे बढ़ाएं और 4 फंदे बढ़ा लेते हैं, इधर से 4 फंदा और इधर से ये ग्रीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके आगे बताते ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए यहाँ तक आ गए, यहाँ पे 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अभी इस कांटे पे इधर में 12 फंदे कन्वर्ट किए और 6 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं, तो 18 फंदे हो जाने चाहिए। तो देख लेते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 तो ये 18 फंदे ग्रीन में आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो ये 6 फंदा हम लोग बढ़ाए हैं उन्हें घटाएंगे और इधर से अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें कलर नहीं लगा रहे, तो इधर से एक एक फंदा छोड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से 2 फंदा का एक करके यहाँ एक फंदा घटा लेते हैं और इधर से वापस बुनते हुए जाएंगे और ग्रीन में से एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बुन लेते हैं, देखिए यहीं से धागा को पलट देंगे, इस साइड से वापस बुनते हुए यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए आगे ऐसे ही जैसे ये 6 फंदा बढ़ाए हैं उन 6 फंदों को हर लाइन में एक एक फंदा करके इस तरह से घटा लेना। ये दूसरा फंदा हम लोग घटा लिए, फिर से बुनते हुए जाएंगे और ग्रीन में से फिर से एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो ऐसे ही बाकी फंदे घटा लेते हैं, जो 6 फंदा यहाँ बढ़ाए हैं उन्हें घटा लेते हैं, उसके आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो 6 फंदे बढ़ाए थे वो 6 फंदे घटा लिए, इधर से ये 6 फंदे तक छोड़ दिए हैं यहाँ तक के फंदे। अब यहाँ पे इकट्ठे में 6 फंदे रह गए, अब यहाँ से कोई फंदा हम लोग को घटाना नहीं है, सिंपल जैसे यहाँ पे बनाए थे वैसे ही बिन देना है इस तरह से। और यहाँ पे ये एक फंदा करके इधर से जो छोड़ रहे हैं उसे छोड़ते ही जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे इस साइड से भी बिन लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से कर लेंगे इसे, अंत में 2 फंदा ही रह जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ 2 फंदा में कलर लगाए थे, तो 2 फंदा तक इसे इस तरह से एक एक फंदा करके छोड़ते जा रहे हैं। ये अंत में यहाँ पे 2 फंदा रह गया, यहीं से धागा पलट देते हैं इस साइड से बिन लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग को फिर से रेड कलर लगाना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे कट कर दिए हैं, अब यहाँ से फिर से हमको रेड कलर ही लगाना है, तो यहाँ फिर से रेड कलर लगा लेते हैं और इस साइड से ये इसे बिनते हुए छुपाते हुए बिनते जाएंगे इस तरह से लपेट करके। इस लाइन में सबको साथ में लेकर के बिन देना है एकदम अंत तक। ये ग्रीन वाला धागा आपको बार बार कट नहीं करना पड़ेगा, हर बार आपको यहाँ ऊपर में ही मिल जाएगा ये रेड वाला। चाहे तो आप ऐसे टांग के ले सकते हैं या फिर कट करके जिस तरह मैं अभी लगाई हूँ उस तरह से आप लगा लें। ये देखिए इस तरह से इस लाइन में सबको साथ में बिन देना है एकदम अंत तक। इस लाइन में जो 2 फंदा छूटा हुआ था उसे भी साथ में कर देंगे। आप उस यहाँ पे भी साथ में बिन सकते थे जब ये वाला कंप्लीट किए, लेकिन इसमें जो बीच में जो सर्कल आता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका वजह से हम इस लाइन में वहाँ पे नहीं बिन करके अभी यहाँ जब कलर लगा रहे हैं तब इसमें हम बिन दे रहे हैं पूरा। ये देखिए
कंप्लीट यहाँ पे तक बिन लिए। अब फिर से एक लाइन यहाँ से बिनते हुए यहाँ तक चले जाएंगे, इधर वाला एक फंदा उठा लेंगे। अब चाहे तो बिन भी सकते हैं, बीच में सर्कल कम हो इसके लिए हम यहाँ पे उठा लिए फंदा को। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते अंत में ये ऊपर की साइड में आ गए हैं। ये देखिए जैसे हम लोग धागा लगाए थे, फिर यहाँ एक लाइन बिन करके इस साइड में आ गए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से डिज़ाइन शुरू किए थे, तो वैसे ही आ गए हैं। अब यहाँ पे हम ये पहला फंदा उठा लेंगे जैसे पहला लाइन में किए थे, फंदा जब छोड़ रहे थे तब। ये देखिए उठा लिया। अब इधर से बिनते हुए जाएंगे और इस साइड से यहाँ पे दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। एक ये जो ऊपर की तरफ है जिधर पत्ती बना रहे हैं ग्रीन कलर का, उधर से एक फंदा छोड़ना है, और इधर से जिधर ये सर्कल टाइप का बनेगा बीच में, वहाँ पे दो फंदा छोड़ना है। ऐसे ही करके जैसे ये वाला हम रेड कलर में पैटर्न बनाए हैं, वैसे ही फिर से यहाँ पे एक बना लेना है। बाकी ये जिस तरह बना है वैसे ही इसे कर लेना है 12 फंदों में। फिर से ग्रीन कलर जिस तरह लगाए हैं बिने हैं वैसे ही कर लेना है। जैसे ही पहली कली कम्प्लीट की हम लोग, वैसे इसकी सारी कली को बना लेना है। अब देखिए यहाँ से हम फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये दो फंदे को साथ में लेकर के बिन देना है इस तरह से, और फिर ये जो फंदा आया उसे इसी कांटे पे करके फिर से बिन देना है। बार बार यही प्रोसेस को दोहराते हुए जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही फंदे बंद कर लेंगे। तो इधर में जो ग्रीन है उस ग्रीन कलर से, और जहाँ रेड कलर है वहाँ रेड कलर से बंद कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुई धागे से सिलाई कर लेना है।